तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं टर्मिनेशन लेटर से टर्मिनेशन कैसे हटा सकते हैं। मतलब कि जब भी किसी कैंडिडेट का किसी ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेशन होता है तो कंपनी उसमें साफ साफ लिख के देती है कि आई हैव टर्मिनेटेड टू यू या आई हैव फायर टू यू। मतलब क्लियरली लिखा होता है कि आपको कंपनी ने टर्मिनेट किया है इस डेट को और आपकी जो सर्विस थी टोटल वो इतने टेन्योर की थी, वो चाहे एक साल हो सकता है, दो साल, तीन साल, तो उसमें वो क्लियरली मेंशन होता है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो टर्मिनेशन लेटर हटा देते हैं और उससे हम बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या हैं कि अगर आप किसी स्मॉल फॉर्म में या किसी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम करो जहाँ से 10 से 15 20 25 एम्प्लॉय हैं और वहाँ पे आपको मोस्टली डॉक्यूमेंट्स इन हैंड मिलते हैं, इन केस अगर तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी भी इन हैंड कराती हैं क्योंकि जहाँ पे 4-5 एम्प्लॉय तो वहाँ पे आपका पीएफ भी नहीं कटता है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते ऑन मेल। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस केस में तो आप टर्मिनेशन हटा सकते हो, आपको उन्होंने टर्मिनेशन लेटर दिया आपके पीडीएफ में या डॉक्यूमेंट्स में, आपने उसको कन्वर्ट करके टर्मिनेशन लेटर वहाँ पे हटा दिया और एक्सपीरियंस बना लिया, ओके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे सारा कम्युनिकेशन ऑन मेल होता है, आपको मेल पे दिया जाता है और कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करती है या कराती है, तो आप अगर किसी नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हो और वहाँ से अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, तो अगर इनकेस आपने उस लेटर में हटा दिया कि ठीक है आपने टर्मिनेशन वर्ड को हटा दिया, आपने उसमें डाल दिया कि इतने से इतने मैंने जॉब किया है और गुड रिस्पॉन्स रहा, वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी रहीं, वो लेटर में तो आप हटा दोगे। बट क्या होता है कि जो उस कंपनी की एचआर टीम होती है उनके पास एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में वो डाल के रखते हैं कि हाँ हमने इस कैंडिडेट को हमने टर्मिनेट किया था या इस कैंडिडेट को हमने फायर किया था और क्या रीज़न है, किस रीज़न से हमने फायर किया था। मतलब एचआर टीम के पास वही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका कराती है। मतलब अगर आपने किसी नेक्स्ट कंपनी में स्विच किया और वहाँ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मेल आया एचआर टीम के पास, तो एचआर टीम ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल पे रिप्लाई करती है, तो उनके पास पूरी डिटेल होती है, वो उस पे रिप्लाई कर दें कि नहीं भैया इसका तो जेन्युइन एक्सपीरियंस नहीं है, इस बंदे को हमने टर्मिनेट किया था और क्या रीज़न था, किस रीज़न की वजह से हमने इस कैंडिडेट को टर्मिनेट किया हुआ था। तो ये केस में आप टर्मिनेशन हटा भी दोगे तब भी आप पकड़े जाओगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, तो इस केस में आपको नहीं हटाना है। हाँ एक चीज़ हो सकता है कि कंपनी से अगर आप बात करो, रिक्वेस्ट करो, तो 90% कंपनीज मान जाती हैं टर्मिनेशन रोकने के लिए या वो ये बोल देती हैं कि आप अपने एंड से रिजाइन डाल दो, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे बट इमीडिएट इफेक्ट के साथ, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो कोशिश करो आप रेजिग्नेशन डाल दो। हाँ टर्मिनेशन में एक आपको फ़ायदा होता है कि कंपनी आपको जब टर्मिनेट करती है तो आपका अगर 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है तो आपको कंपनी 3 महीने की पूरी सैलरी भी देती है, बट रेजिग्नेशन में आपको सैलरी नहीं मिलती है, तो ये बेनिफिट होता है। और इन द लास्ट दोस्त कि आप ये सोच रहे हो कि हम ऐसा कर देंगे टर्मिनेशन हटा देंगे तो बच जाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ कंपनी के पास पूरा डेटा होता है, एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड होता है, प्रीवियस आपने अगर 10 साल 15 साल 20 साल भी काम किया उस कंपनी में तब भी उनके पास वो रिकॉर्ड में रहता है, डेटाबेस में रहता है, तो उनके पास 10-15 साल का भी रिकॉर्ड होता है जिससे वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चलो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेल एन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।